बैक टू पेट पूजा विद पूजा। आज मैं आपने एरिया देखा तो सोच ही लिया होगा, समझ लिया होगा कहाँ पे है कहाँ नहीं है। आज हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार है, यहाँ पे खाने की इतनी चीजें हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाई जाए। सो लेट्स एक्सप्लोर। कुल्फी का मुझे ये चीज थोड़ा सा अलग लगा कि इनके जो प्राइजेस हैं कुल्फी के वो थोड़े से हाई हैं नॉर्मल कुल्फी से, बिकॉज इट्स टफ और उनकी शायद यूनिक की वजह से भी कि हाँ नॉर्मल कुल्फी से अलग है ये कुल्फीज, सो इसलिए भी हो सकता है। बट ओवरऑल काफी अच्छा टेस्ट था। यहाँ पे ये एक फैमिली आई हुई थी, सो वी थॉट कि इनका रिव्यू भी लिया जाए एंड दे सेड कि दे लाइक इट, काफी यूनिक टेस्ट है नॉर्मल और रेगुलर कुल्फी से। चांदनी चौक में, क्योंकि यार खाने के लिए अगर आप पुरानी दिल्ली गए हैं तो चांदनी चौक जाना तो आपका मस्ट होता है, बिल्कुल जाना ही जाना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, सो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सबके साथ ना शेयर कर दीजिए ज़रा। नेक्स्ट हमने सोचा कुछ मीठा तो हो ही गया है, सो अब थोड़ा सा चटपटा सा खा लिया जाए। सो हम आ गए हैं बिशन स्वरूप चाट भंडार के पास। यहाँ पे इनकी चाट काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी पुरानी भी है, आप देख सकते हैं ये 1920 से यहाँ पे हैं। सो बहुत पुरानी चाट और फेमस होगी यार, तभी तो इतने टाइम के लिए रुक भी गए, अदरवाइज नहीं रुक पाते। बहुत ही छोटा सा स्टॉल है, आपको ये लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगी इसकी भी, और यहाँ पे आके आप अच्छे अच्छे चाट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं इनके जो ये सर्व करते हैं, सो वो आप देख लीजिए आपको क्या खाना है। हमने यहाँ पे आलू चाट लिया था, यहाँ पे मिक्स फ्रूट चाट शकरकंदी चाट छोले आलू, मतलब दो तीन चीज टाइप के भी और हैं, वो सारे भी हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी हमारे पास है बिशन स्वरूप जी की आलू चाट, इसे हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है टेस्ट में और कैसी नहीं है। हमने सोचा हम चांदनी चौक को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो कांजी वड़ा तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। अगर आप पुरानी दिल्ली आए हैं तो प्लीज़ कांजी वड़ा तो ज़रूर ट्राई करना, मतलब काफ़ी यूनिक टेस्ट होता है उसका और बहुत ही यम लगता है, और गर्मियों में तो उसके मज़े ही अलग है यार, बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे हमने दो चीज़ ट्राई की थी, कांजी वड़ा और सेकेंड चीज़ थी हमारी भल्ले पापड़ी।
फर्स्ट हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कांजी वड़ा। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, मतलब मैं अगर अगली बार चांदनी चौक जाऊंगी सो आई विल ट्राई इट डेफिनेटली, मतलब मैं दोबारा इसको जरूर लूंगी। और सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे ट्राई की थी भले पापड़ी, ये भी बहुत ही अच्छा था यार, टेस्टी था काफ़ी। और मतलब ज़्यादा ये नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा मसाले हैं, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट था, अच्छा टेस्ट था। मैं आपको मस्त मस्त बोलूँगी कि आप जाके ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट हम आ गए हैं ओल्ड फेमस जलेबी वाला की शॉप पे, क्योंकि अगर आप चांदनी चौक आए हैं तो आपको यहाँ आना तो मस्ट होता है यार। ये इतनी अच्छी जलेबी और रबड़ी आपको सर्व करते हैं ना, आपका मन करेगा कि आप बार बार खाएं। वैसे मैं ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे इनकी जलेबी और रबड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट काइंड ऑफ, बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। और ये आपको मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी ना मतलब ये है कि पैसे भी इसका प्राइस भी थोड़ा नॉर्मल ही है, इतना हाई प्राइजेस नहीं है इनके। अगर आप चांदनी चौक की तरफ जा रहे हैं फॉर शॉपिंग या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो प्लीज़ 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 यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, और ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये कैसा लगा आपको। और जल्दी से ना कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपको जलेबी वैसे खाली जलेबी पसंद है या रबड़ी के साथ पसंद है। समोसे तो ना हम सब ने बहुत सारे खाए होंगे, मतलब नॉर्मल आलू का समोसा, चाउमीन समोसा, पिज़्ज़ा समोसा और जो भी समोसा होते हैं बहुत सारे बनाते हैं ये लोग। लेकिन क्या आपने कभी जापानी समोसा ट्राई किया है? हाँ, मतलब ये काफ़ी यूनिक नाम भी है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक था। सो ये लोग जापानी समोसा सर्व कर रहे हैं 1949 से यहाँ पर, और ये काफ़ी यूनिक होता है टेस्ट में, मतलब नॉर्मली हम ऐसे समोसे नहीं खाते हैं, इसके अंदर आलू की फिलिंग भी होती है। ये हमें सर्व होते हैं छोले और प्याज और एक बहुत ही अच्छी सी चटनी के साथ। ये बहुत ही यूनिक था, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी जाके ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मतलब ये टेस्ट कैसा लगा। कर रहे हैं हमारी एक ग्लास लस्सी के साथ, क्योंकि सबने बहुत खा लिया था, इससे ज्यादा किसी में खाने की हिम्मत नहीं थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेट पूजा।